हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया और मैं आप सभी का नॉलेज बीम प्लस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, बगैर समय वेस्ट किए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना की थी? पहला ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, दूसरा है गुलाब राय, तीसरा सुमित्रा नंदन पत और चौथा है राकेश दास। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वह है श्याम सुंदर दास। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो मैंने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारतेंदु युग में किस पत्रिका का संपादन हुआ? पहला ऑप्शन है हंस, दूसरा ऑप्शन है कवि वचन सुधा, तीसरा है धर्मयुग और चौथा है दीनमान। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वह है कवि वचन सुधा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो मैंने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सरस्वती पत्रिका का संपादन काल है? तो पहला ऑप्शन है 1900 ईस्वी, दूसरा है 1868 ईस्वी, तीसरा है 1870 ईस्वी और चौथा है 1880 ईस्वी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वह है 1900 ईस्वी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो मैंने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सन्नाटा निबंध के रचनाकार हैं? तो पहला ऑप्शन है अज्ञेय, दूसरा है मोहन राकेश, तीसरा है कन्हैयालाल मिश्र और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वह है अज्ञेय। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो मैंने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आनंद कादंबनी पत्रिका का संपादन करते थे? तो पहला ऑप्शन है अज्ञेय, दूसरा है मोहन राकेश, तीसरा है कन्हैयालाल मिश्र और चौथा है बद्रीनारायण चौधरी यानी प्रेमघन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वह है प्रेमघन। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो मैंने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं? पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है मोहन राकेश, तीसरा है कन्हैयालाल मिश्र और चौथा है हरिशंकर परसाई। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वह है हरिशंकर परसाई। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो मैंने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है? तो पहला ऑप्शन है परीक्षा गुरु, दूसरा ऑप्शन है गोदान, तीसरा ऑप्शन है गुनाहों के देवता और चौथा है चित्रलेखा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वह है परीक्षा गुरु। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो मैंने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में की रचना विधा है? तो पहला ऑप्शन है रिपोर्टाज, दूसरा ऑप्शन है रेखाचित्र, तीसरा ऑप्शन है नाटक और चौथा ऑप्शन है कहानी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वह है रिपोर्टाज। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो मैंने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पथ के साथी की रचना विधा है? तो पहला ऑप्शन है रिपोर्टाज, दूसरा ऑप्शन है संस्मरण, तीसरा ऑप्शन है नाटक और चौथा ऑप्शन है कहानी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वह है संस्मरण। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो मैंने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या भूलू का याद करूं की रचना विधा है? तो पहला ऑप्शन है आत्मकथा, दूसरा ऑप्शन है संस्मरण, तीसरा ऑप्शन है नाटक और चौथा ऑप्शन है कहानी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वह है आत्मकथा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा की रचना विधा है? तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ जल्दी से हमें कमेंट्स के माध्यम से भेजें। तो फ्रेंड्स, ये थे हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।